तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कहते हैं ना, जब भी मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, वरना ऐसे ही सूखा सूखा बैठे रहो। यस, इंडियन हिस्ट्री में तीन जबरदस्त सुपरस्टार की फिल्म रजनीकांत, सनी देओल और अक्षय कुमार, तीनों को ही फिल्म एक साथ आई और जबरदस्त क्लैश कर रही हैं एक दूसरे से। जी दोस्तों, लेकिन तीनों का कंटेंट अलग है, तीनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, जिसमें से गदर 2 और जेलर तो टॉप ट्रेंड करते हुए लगातार नोट पे नोट छाप रही हैं और OMG 2 की कमाई बहुत स्लो देखने को मिली है, लेकिन तीनों ही अपनी अपनी ऑडियंस को लेकर आगे बढ़ रही हैं। जी दोस्तों, आज बात करेंगे जेलर अपने सातवें दिन में कैसी ग्रोथ कर रही है और गदर 2 और OMG 2 छठे दिन तक कैसी ग्रोथ कर चुकी हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी रजनीकांत, सनी पाजी और अक्षय कुमार के डाई हार्ड फैन हैं और तीनों की ही फिल्मों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करेंगे पहले जेलर मूवी के बारे में। दोस्तों, नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली जेलर 200 करोड़ के टोटल खर्चे पर पूरी करी गई है, जिसके मेन लीड में रजनी द सुपरस्टार रजनीकांत सर देखने को मिलेंगे और जैकी श्रॉफ और मोहनलाल जैसे दिग्गज स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे। मूवी लोगों को बहुत पसंद आई है। आफ्टर रोबोट 2.0 रजनी सर की जेलर ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के साथ खाता खोला और पहले दिन से ही मोटी कमाई करनी शुरू कर दी थी। जी दोस्तों, मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है और रजनी सर का स्टाइल तो काफी है ही जनता को थिएटर हाउस तक लाने के लिए। जी दोस्तों, मूवी ने ओपनिंग बहुत सॉलिड ली और पहले ही दिन कमाए 38 करोड़ 75 लाख रुपए, दूसरे दिन कमाए 25 करोड़ रुपए और तीसरे दिन सॉलिड बाउंस बैक करते हुए 34 करोड़ 30 लाख का जबरदस्त होल्ड देखने को मिला था। जी दोस्तों, अपने चौथे दिन संडे का फुल एडवांटेज लेते हुए मूवी ने गदर 2 की तरह एक मोटी कमाई अपने खाते में रखी थी और 42 करोड़ 30 लाख कलेक्शन किया अपने चौथे दिन में और पहले चार दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा टच करने में सफल रही जेलर मूवी। इसी के साथ पांचवें दिन में मंडे वर्किंग डे होने की वजह से और गदर 2, OMG 2 और भोला शंकर जैसी दिग्गज फिल्मों को टक्कर मिलने के बाद भी मूवी ने 23 करोड़ 55 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी। इसी के साथ दोस्तों, कल यानी इंडिपेंडेंस डे यानी अपने छठे दिन में इस मूवी ने भी हॉलीडे का फुल एडवांटेज लिया और 36 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कल छठे दिन में एंड ऑफ द डे तक रखा था। जी दोस्तों, इसी के साथ जेलर पहले छह दिन में 210 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा रखने वाली साउथ की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बन चुकी थी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और पूरी दुनिया से जबरदस्त फैन फॉलोइंग लेते हुए रजनी सर की जेलर ने 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था अपने छठे दिन तक और रजनी सर के करियर की एक और हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है। जी दोस्तों, आज अपने सातवें दिन में भी जबरदस्त ग्रो करते नजर आ रही है मूवी और आज एंड ऑफ द डे तक इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है मूवी, तो पूरी दुनिया से 25 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है मूवी। बात करें दूसरी फिल्म यानी गदर 2 की, तो दोस्तों गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है इस बार भी। जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है। यह दोस्तों, सामने अक्षय पाजी की OMG 2 और रजनीकांत की जेलर जैसी धमाकेदार मूवी होने के बाद भी और मेगा स्टार चिरंजीवी की भोला शंकर होने के बाद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग, इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट क्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है। दोस्तों, गदर 2 सिर्फ मूवी नहीं रही गई है, एक इमोशन बन चुकी है अब पूरे भारत में, जिसे जनता 2001 में छोड़कर आए थे और अब वो सब दोबारा से रिकॉल हो रहा है। वाकई में दोस्तों, गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। जी दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया है और मूवी को 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज कराया गया था। इसी के साथ बावजूद OMG 2 के क्लैश होने के बाद भी मूवी ने अपने पहले ही दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 40 करोड़ तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ दूसरे दिन भी अनबिलीवेबल नंबर सामने रखते हुए सेकंड डे से 43 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जो कि इस साल की मॉन्स्टर पठान के दूसरे दिन कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ता है और बाहुबली 2 के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ता है और अपने तीसरे दिन में एक ऐतिहासिक कमाई अपने खाते में रखकर बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी और तीसरे दिन में 51 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था और अभी तक पहले तीन दिन का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 134 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था मूवी ने। वहीं अपने चौथे दिन में भी 40 करोड़ का नेट कलेक्शन करके अपने खाते में रखा था। बात करें कल यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ रही मूवी की, तो भाई साहब गदर 2 ने वाकई में जो गदर मचाया है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसी सुनामी किसी ने ना देखी होगी हिंदी सिनेमा में, जहां हर जगह हाउसफुल शो चल रहे थे। कल इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी और मूवी ने भरपूर फायदा उठाया इस हॉलीडे का।
का और एंड ऑफ द डे तक अपने पांचवें दिन में 57 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ पहले पांच दिन का नेट कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था मूवी ने और पूरी दुनिया से सुपर एंड सॉलिड फैन फॉलोइंग होने की वजह से वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर लिया है और बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर वन फिल्म बन चुकी है जिसने फास्ट 300 करोड़ कंप्लीट करे हैं। जी हां दोस्तों, हिंदी कलेक्शन में बाहुबली, केजीएफ, पठान, संजू, भोला इन सबको खदेड़ चुकी है अपने पांच दिन के कलेक्शन के रिकॉर्ड के मामले में। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 6 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की तो यस, आज भी एडवांस से 9,80,00,000 से खाता खोला और एंड ऑफ द डे तक मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में जबरदस्त सोच अपने हिस्से में रखते हुए मूवी 25 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते नजर आ रही है और अपने पहले पांच दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 260 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ पूरी दुनिया से यह फिल्म आज 340 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है और इस साल की जायंट पठान को भी अपने 3 हफ्ते की मोटी कमाई से खदेड़ने तक की ताकत रख रही है। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। बात करें तीसरी फिल्म यानी ओएमजी 2 की तो यस, मूवी सामने गदर 2 जैसी जायंट मूवी होने के बाद भी अमेजिंग ग्रो कर रही है। जहां एक तरफ गदर 2 गदर मचा रही है तो दूसरी तरफ साइलेंटली ही सही लेकिन बहुत मोटी कमाई करते रोज बढ़ रही है आगे ओएमजी 2। अपने कंटेंट के दम पर ओएमजी 2 गदर 2 से टक्कर जबरदस्त तरीके से ले रही है। जहां दोस्तों स्टार्टिंग स्लो थी लेकिन दूसरे दिन से मूवी ने पीक पकड़ी, मूवी बहुत शानदार ग्रो कर रही है। अक्सरबाजी की मूवी अब ट्रैक में दोबारा से आ रही है और हेटर्स को करारा जवाब देते हुए फिल्म सुपर हिट का टैग अपने नाम कर रही है। जहां दोस्तों मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। मूवी को 1600 स्क्रीन पर रिलीज कराया गया था। यहाँ दोस्तों अपने पहले दिन 10 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ दूसरे दिन भी नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 15,30,00,000 के आसपास आंकड़ा रखा था। तीसरे दिन संडे का एडवांटेज लेते हुए ओएमजी 2 ने 17,55,00,000 का कलेक्शन अपने खाते में रखा था और पहले तीन दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 45 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था। बात करें चौथे दिन की यानी मंडे की तो 12 करोड़ का कलेक्शन अपने चौथे दिन में करा था और पहले चार दिन का टोटल आंकड़ा 57 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी मूवी। बात करें कल यानी पांचवें दिन कैसी ग्रोथ रही, भाई साहब अमेजिंग रही। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का भरपूर फायदा उठाया ओएमजी 2 ने भी और अपने पांचवें दिन में एक ह्यूज नंबर अपने खाते में रखा था। जी हां दोस्तों लगभग 19 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक करा था। वहीं बात करें आज यानी अपने छठे दिन में कैसी ग्रोथ है। जी हां दोस्तों आज कल के मुकाबले मॉर्निंग से थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग में दोबारा से लय पकड़ते नजर आ रही मूवी और लगभग 8 करोड़ का आंकड़ा टच करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक ओएमजी 2 आज अपने छठे दिन में और टोटल पहले 6 दिन का कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक 82 करोड़ टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में हो जाएगा। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 97 करोड़ के ऊपर सेट कर लेगी मूवी आज अपने छठे दिन तक और ओवरसीज से 15 करोड़ की सफल राशि अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे तक 112 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर देगी नो डाउट अपने छठे दिन तक। दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं तो मूवी स्लो ग्रो कर रही है लेकिन अमेजिंग ग्रो कर रही है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी जेलर, गदर 2 और ओएमजी 2 को देख लिया है तो मूवी आपको कैसी लगी और तीनों में बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस और राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।